हजारों सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ सौ में से एक वा हिस्सा भी नहीं है एकादशी के सामने। जितने भी व्रत पुण्य उपवास यज्ञ जो भी कुछ है वो एकादशी के महिमा में तो बहुत नीचे हैं, कुछ नहीं है एकादशी के सामने। वो व्रतों का राजा है। मनुष्य शरीर धारण किया है तो चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि वह धरती छोड़ने से पहले ग्यारस का व्रत करके जाए। बहुत भारी महिमा है। गुरुदेव वशिष्ठ ने तो बहुत जोर दिया। राजा यात्रा करने को जा रहे हैं, वो कहते हैं कि द्वादशी को ब्राह्मण को जरूर जिमाना, तो ग्यारस एक हजार गुनी ज्यादा बन जाएगी, बढ़ जाएगी। धर्मदा अर्थदा चैव कामदा मोक्षदा किल सर्व काम दुदाम नृणाम द्वादशी वर वर्णनी। वर्णन किया गया है भैया, क्या वर्णन किया गया है? वर्णन किया गया धर्मदा अर्थदा चैव कामदा मोक्षदा किल। जिन्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ चाहिए, जिंदे जी वैभव और मरने के बाद जिन्हें मुक्ति चाहिए, वह ग्यारस एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी के व्रत की महिमा ग्रंथों में बहुत ज्यादा गाई है। सभी कामनाओं को पूर्ति कर देती है, पूर्ण कर देती है ग्यारस की तिथि। ग्यारस की महिमा इतनी बड़ी है। और यहाँ तक कह दिया एकादशी समम किंचित पापत्राणम नवेद्यते। एकादशी समम किंचित व्रतम नास्ति सुभिक्षणे। काक एकादशी समम किंचित पाप पात्रम नवेद्यते। पापों को जलाने के लिए एकादशी से बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं है। जितना जल्दी अपराध ग्यारस के व्रत करने से जलते हैं और कोई उपाय दूसरा है ही नहीं। इसलिए एकादशी का व्रत करो। एकादशी समम किंचित व्रतम नास्ति सुभिक्षणे। वर्णन किया एकादशी के समान कोई भी व्रत इस मृत्यु लोक में दूसरा नहीं है। इसमें एक बात और कही गई है, वो बात बड़ी जोरदार है। क्या है? जो लोग दूसरा कोई भी व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करने वाले लोग दूसरे व्रत को करते हैं, तो उन व्रतों की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। जो एकादशी का व्रत नहीं करते और व्रत करते हैं, तो उनका सूक्ष्म पुण्य ही मिलता है। मिलता है, थोड़ा मिलता है, ना के बराबर मिलता है। इसलिए आज की कथा सुन करके सब जन ग्यारस का उपवास शुरू कर दो। 8 वर्ष से लेकर 85 साल तक के लोगों के लिए एकादशी का व्रत करने की महिमा का वर्णन किया गया। 8 से 85। पूछा जाता है कि विवाह से पहले बेटियां एकादशी ग्यारस करती हैं क्या? पार्वती अम्मा करती थी, तभी तो महादेव इतने सुंदर वर मिले उन्हें। ऐसे सुंदर वर मिले भैया अजन्मा, ऐसा लगता है कि मौत तो आना ही पास में भूल गई, शंकर के पास झपकती नहीं बिल्कुल। आ माइक खोलो। तो अविवाहित कन्याओं को, बेटियों को, बेटों को, माँ बाबूजी को, सबको, अब मैं कोई आपके एकादशी तो कथा सुना नहीं रहा हूँ, तो मैं थोड़े थोड़े उसकी महात्म की बात आपके बीच में रखे देता हूँ। तो हमारा आज का दिन भी अपने आप में बिल्कुल सफल हो जाएगा। बताया गया कि 11 इंद्रियों से पाप होता है हमेशा। 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय 10 और 11वां मन, ये पाप। श्लोक बोले देता हूँ। एकादशी इंद्रिया पापम यत्कृतम भवति प्रिये एकादशी उपवासेन तत्सर्वम विलयम ब्रजेत। श्लोक बहुत बढ़िया है। सर्व कर्म इंद्रियों से ही पाप नहीं होता, ज्ञान इंद्रियों से भी पाप होता है। कुछ बुरा सोच लेना पाप लग जाएगा, बुरा देख लेना पाप लग जाएगा, बुरा सुन लेना, ये ज्ञान की इंद्रियां हैं 5। ये 5 इंद्रियां भी पाप करने में पीछे नहीं उठती। लोग कहते हैं कि पाप करने पर ही पाप लगता है, देखने पर नहीं लगता।
लेकिन भगवान व्यास की कलम कहती है पाप को देखोगे सुनोगे तो भी पाप लगेगा। इसलिए वो गांधी जी के तीन बंदर आपने देखे होंगे छपे, देखे? हाँ, तीन बंदर गांधी जी, बाबा गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के तीन बंदर, बुरा बोलो मत, बुरा सुनो मत, बुरा देखो मत। कितनी अच्छी बात बोल के गए।